लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्केन अल्केन और अल्काइन अल्केन अल्केन और अल्काइन इन तीनों का नॉमेनक्लेचर देखा और इसके मुख्तलिफ एग्जांपल डिस्कस की थी। इस लेक्चर के अंदर से इस लेक्चर और इसके ऑनवर्ड हम लोग अल्केन अल्केन अल्काइन के ऊपर अलग अलग में बात करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम अल्केन के ऊपर बात करते हैं। अल्केन अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये है कि सिंगल बॉन्ड जिनके अंदर होता है, अभी तक आपको मैंने ये डेफिनेशन बताई है, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड से बेसिकली इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेक्चर में पास ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें पांच कार्बन है, ठीक है, और अगर तो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसका मतलब है कि बाकी सारे जो होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। अब हर कार्बन एटम चार हाइड्रोजन चार बॉन्ड बनाता है, तो जो पहले से एक के साथ जुड़ा हुआ है वो तीन हाइड्रोजन, जो पहले से दो के साथ जुड़ा हुआ है वो दो डिपॉजिट हाइड्रोजन के साथ जुड़ होगा, ऐसे ही होगा। ये मैंने सारे पास में हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज आप अगर नोट करो, अगर मेरे पास देखो कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 मैंने लिए थे ना, तो अगर मेरे पास 5 कार्बन एटम्स हैं तो ये जो दरमियान वाले हैं इन सबके ऊपर और नीचे एक जितने, यानी अगर ये 5 है तो 5 हाइड्रोजन ऊपर 5 हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। अगर मैं 3 लेता तो 3 ऊपर हाइड्रोजन और 3 नीचे हाइड्रोजन होते, अगर 3 कार्बन में ले लेता, ठीक है, और हमेशा कॉर्नर के ऊपर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो इस पूरी बात को मैं यूं लिख सकता हूँ कि अगर मैं एन कार्बन एटम लूँ, ठीक है, तो मेरे पास एन ऊपर होंगे हाइड्रोजन, एन नीचे होंगे हाइड्रोजन और 2 साइड से होंगे हाइड्रोजन, ऐसे ही होगा। यानी टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे मेरे पास? n+n+2, यानी 2n+2। बाय डेफिनेशन अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n है और आपके पास हाइड्रोजन एटम 2n+2 है तो उसको हमें अल्केन बोलते हैं, 2n+2। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 कार्बन एटम्स हैं तो 2 × 10+2 यानी 22 हाइड्रोजन एटम फिर होंगे मेरे पास, C10H22। तो ये मेरे पास किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा? अल्केन, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास कि अल्केन फॉर्म। अल्केन के लिए एक और भी वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पैराफिन। पैराफिन पैराफिन वर्ड जो है इसका एग्जैक्ट मतलब होता है लिटिल अफिनिटी। अफिनिटी समझते हो? अफिनिटी किसे कहते हैं? अफिनिटी होता है किसी के साथ जुड़ने की सलाहियत कह लो, किसी के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी कह लो, बहुत ही कम रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है पैराफिन, इस वजह से हम उनको कहते हैं अल्केन। बात करने का मतलब ये है कि जो अल्केन होते हैं ये बॉन्ड बहुत कम बनाते हैं, यानी रिएक्शन में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसकी रीजन क्या है कि अल्केन जो होते हैं ये क्यों बहुत ही कम अफिनिटी होती है उनकी? लेट से आपके पास एक कार्बन एटम है, इसकी क्या ये कितने टोटल बॉन्ड बना सकते हैं? 4, मैक्सिमम 4 बनाएगा, 1 2 3 4। और अगर ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हैं, लेट से मेरे यहाँ पे चारों तरफ को हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है, क्या इस कार्बन एटम इस पूरे कंपाउंड ये मीथेन मैंने बना दिया, इस मीथेन के अंदर क्या ऐसी सलाहियत है कि ये किसी चीज के साथ रिएक्ट करे और ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटे और यहाँ पे कोई और चीज आके जुड़े? मतलब बहुत कम ऐसे चांस है ना, बिकॉज तो ये पहले से ही बहुत स्टेबल कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। तो ये चूंकि बहुत ही सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, अगर तो डबल बॉन्ड होता तो फिर मैं कह देता कि यहाँ से ही ब्रेक हो जाएगा उधर और आगे कुछ होगा। तो सिंपलेस्ट टर्म्स में आपके समझने के लिए ये है कि ये बहुत ही कम इनकी अफिनिटी है कि ये रिएक्शन करें, इस वजह से हम उनको पैराफिन बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज ये कि इसको हम अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी बोलते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर आपको याद हो सैचुरेटेड कंपाउंड हम इनको बोलते हैं, लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने इतना पानी डाला होगा, तो ये सारा उसके अंदर पानी है। अब आपको याद होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप लोगों ने एक चीज करी थी। अब अगर इसके अंदर मैं लेट्स से शुगर डाल देता हूँ, ठीक है, शुगर की कुछ ड्रॉपलेट मैं अंदर डालता हूँ तो ये इसके अंदर मिक्स होते जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, और एक ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा आप शुगर इसके अंदर डाल ही नहीं सकते, ठीक है।
हम कहते हैं कि जब ये बिल्कुल ही फुल मिक्स हो चुका है उस वक्त ये एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे ज्यादा आप उसके अंदर सोल्यूट को डाल भी नहीं सकते सॉल्वेंट के अंदर। ये पहले सॉल्वेंट था इसके अंदर और मैं ऊपर से सोल्यूट डाल रहा था, और एक लिमिट है सोल्यूट की, उससे ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डाला ही नहीं जा सकता। उस वक्त जो सोल्यूशन होता है वो सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। सिमिलरली कार्बन एटम की एक टेंडेंसी है वो जितने बॉन्ड बना देता है, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि इसमें पहले से ही वो सारे बॉन्ड सिंगल हैं और वो फुल हुआ है पहले। आप मजीद इसके अंदर कोई चीज डाल के नहीं कोई रिएक्शन करवा सकते। यही वजह हम आगे रिएक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अल्केन्स हैं ये बहुत ही मुश्किलों से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और इनको रिएक्शन इनके जो हमने करवाने होते हैं अल्केन्स के, तो हमें बहुत ज्यादा बीच में फिर कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं, टेम्परेचर रेज करना पड़ता है, ब्ला ब्ला। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। अल्केन्स को प्रिपेयर करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन सिंपली क्या है, हाइड्रोजन की एडिशन को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अल्केन है CH4, इसके अंदर आप हाइड्रोजन डालो तो क्या होगा, बड़ी होते हैं क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। रीजन बीइंग के ये पहले से एक अल्केन है आपके पास, तो ये अल्केन है इसको मजीद हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इस समय आपके पास अल्केन नहीं बल्कि कोई अल्कीन लेता हूँ, डबल बॉन्ड और साइड से यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन है, तो बीच में अगर मैं हाइड्रोजन डाल लूँ तो उसको सिंपली याद रखने का तरीका ये है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों यहाँ पे लग जाएंगे। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट सिंपल। होता ये है कि आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी देने के लिए आप 2-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करते हो, ठीक है। बट साथ में आप क्या करते हो, बीच में निकल कैटलिस्ट डालते हो, तो क्या होता है आपके पास ये डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा और आपके पास दो हाइड्रोजन एटम, ये डबल बॉन्ड टूट गया तो दो दो हाइड्रोजन लगे होते हैं ना, साइड मतलब तीन तीन लगते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो देखो एक आप अल्कीन से आप बात स्टार्ट की आपने और आप एक अल्केन से आ गए, ठीक है। तो हम इस मेथड को कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, यानी अभी ये सेचुरेट नहीं हुए हुए, ठीक है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये अनसेचुरेटेड है, इसके अंदर मजीद अभी रिएक्शन की सलाहियत है, ये सेचुरेट हो सकता है, और हमने अनसेचुरेटेड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के सेचुरेट कर दिया, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है हमने इसको नाम दिया हुआ है सेबेटियर सेंडेंस, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट वाली कहानी है कि निकल और 200-300, अगर आप निकल ना यूज करो, अगर आप प्लैटिनम यूज करो, प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको ये टेम्परेचर रेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट अगर यूज करते हो, ठीक है। कैटलिस्ट प्लेटियम और प्लेटिनम के अलावा आप एक और काम भी कर सकते हो, आप रेनेनिकल यूज कर सकते हो, रेनेनिकल। रेनेनिकल इससे पहले भी आपने वर्ड सुना होगा, रेनेनिकल किसे कहते हैं, रेनेनिकल इज नथिंग बट आप निकल और एल्यूमिनियम का एक अलॉय है, एक ओर है बेसिकली, नॉट एन अलॉय। आप इस ओर को क्या करते हो, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मिक्स करते हो, ठीक है, और आप इस पूरे सोल्यूशन को हीट अप करते हो, ठीक है। और जब आप इसको हीट करते हो तो आपका जो एल्यूमिनियम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाता है और आपके पास जो निकल है ये पाउडर्ड फॉर्म में बाकी बच जाता है। फिर आप क्या करते हो, इसको सुखा देते हो और ये बहुत छोटे छोटे जर्रात की फॉर्म में आपके पास निकल आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रेनेनिकल, ठीक है। और ये जो कोल्ड आपके पास फॉर्म में रेनेनिकल होता है, तो अगर आप इस सॉल्यूशन में रेनेनिकल यूज कर रहे हो तो सिंपल निकल की जगह, तो फिर आपको ये टेम्परेचर रेज ना करना पड़ता, ठीक है। तो यू आइदर यूज सिंपल निकल और 200-300 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर रेज करो, पहली ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप प्लेटिनम या प्लेडियम यूज कर लो और फिर आपकी टेम्परेचर रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप रेनेनिकल यूज कर लो और फिर भी आपको टेम्परेचर रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्लेटिनम या प्लेडियम हम क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और नॉर्मली इतना अवेलेबल नहीं होता। तो हमारा जो
बेसिक सबसे काम की स्ट्रक्चर रिएक्शन रह गया वही रेने निकल बराबर हो गया। तो हम रेने निकल को यूज करते हैं और हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन भी आपको सारे बताए हैं ये बेसिकली ये आपको नजर आ रहा है। ये देखिए पॉली अनसेचुरेटेड फैट, पॉली अनसेचुरेटेड मतलब मल्टीपल, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, अनसेचुरेटेड मतलब पॉली का मतलब ये हो गया कि ये दो दफा इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और ये एक फैट है, फैट क्या होते हैं हम चैप्टर लास्ट के कुछ चैप्टर में मैक्रोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फैट क्या होते हैं। सिंपली आप ये याद कर लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग चेन्स की फॉर्म होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर मल्टीपल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब अगर आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी एंड दिस वुड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड यू वुड हैव टू रेज अ लिटिल बिट ऑफ टेंपरेचर। बट साथ में क्या होगा कि आपके पास ये इस तरह की चीज बन गई, ये देखो जो दो हाइड्रोजन आप इसमें ऐड करना पड़ेंगे, दो डबल बॉन्ड जोड़ना है ना, तो दो एच टू आपको ऐड करना पड़ेंगे, टू एच टू इसके अंदर ऐड हो जाएगा और साथ में ये नीचे वाली चीज बन जाएगी, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है ना इसको हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ फैट, हार्डनिंग ऑफ फैट। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपका ऑयल होता है ना वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, आप वेजिटेबल ऑयल को अगर हाइड्रोजनेशन कर दो उसकी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल फोर, तो आपके पास घी बन जाता है, ठीक है। और अब अगर आप सोचो वेजिटेबल ऑयल क्या चीज होती है, ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, या आप ये कह लो कि ये एक अल्किन या अल्काइन होता है, ठीक है। और ये जो आपके पास ई है ये क्या चीज होती है, ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, टॉकिंग अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड भी यूज कर रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन के साथ जो बॉन्ड हैं वो सारे के सारे सिंगल होंगे, तो दिस वुड बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें इसको हम अल्केन बोलेंगे, ठीक है। तो घी बेसिकली एक अल्केन है और ऑयल्स जितने भी होते हैं ये बेसिकली अल्काइन होते हैं, ठीक है। अब आप मजे की चीज देखते हैं, मजे की चीज इसमें ये है, आप ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड, और घी जो होता है ये क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। इसकी रीजन ये है कि जो आपके पास अल्केन्स होते हैं ये चूंकि रिएक्ट नहीं करते और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, सॉरी लो नहीं होते, हाई होते हैं, जो आपके अल्केन्स हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं ये आपके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, और इस वजह से आपके पास जो घी होता है वो आपके पास सॉलिड होता है और जो आपके पास ऑयल होते हैं वो आपके पास लिक्विड होते हैं, ठीक है। इसकी हाइड्रोजनेशन की फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखें एक ऑलिक एसिड है, ऑलिक एसिड जो कि इंतहाई लंबा सा मैक्रोमोलिक्यूल है और उसकी हाइड्रोजनेशन की गई है, सिंपल हाइड्रोजन बीच में ऐड किया गया और ये भी बीच में उसका मैकेनिज्म रिएक्शन प्रिस्क्राइब किया गया है कि ये कैसे डबल बॉन्ड टूटता है, सबसे पहले दो हाइड्रोजन आके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और फिर ये डबल बॉन्ड टूटता है और फिर वो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, देखो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है ये दो लंबे, ठीक है, और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है चेंज हो गए, तो ऑलिक एसिड जो है वो स्टेरिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑलिक एसिड जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और स्टेरिक एसिड जो है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और ये दोनों आपके पास फैट की सेक्शन। तो इसके बाद ये आपका हो गया सबसे फर्स्ट प्रोसेस अल्केन को प्रिपेयर करने का, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस जो आपके पास है अल्केन को प्रिपेयर करने का वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को आपने रिड्यूस करना, अल्काइल हैलाइड सबसे पहले तो हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड,
अल्काइल तो यही हो गया ना कि जो आपके पास अभी तक आप पढ़ रहे हो, मिथाइल एक ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप है, इथाइल एक ग्रुप है, या फिर आप प्रोपाइल की बात कर लो, ठीक है, तो ये आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं। आप अल्काइल ग्रुप के एंड पे अगर कोई हैलाइड लगा दो, हैलाइड किसे कहते हैं, हैलोजन कोई अगर आप लगा दो, फॉर एग्जांपल आप क्लोराइड लगा दो, फॉर एग्जांपल आप ब्रोमाइड लगा दो, फॉर एग्जांपल आप आयोडाइड लगा दो, तो ये अब आपके पास मिथाइल क्लोराइड बन गया, इथाइल ब्रोमाइड बन गया, प्रोपाइल आयोडाइड बन गया, एंड सो ऑन, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है। अब अगर आप क्या करो कि अल्काइल हैलाइड के अंदर से हमने अगर ये हैलोजन हम हटा दें, ठीक है, इस हैलोजन को हम हटा दें और यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगा दें, तो क्या होगा, अल्केन बन जाएगा, ये CH4 बन जाएगा, और इस केस में क्या होगा, अगर मैं Br को हटा के H लगा दूं तो ये ईथेन बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा ना, और ये नीचे से अगर मैं आयोडीन की जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो ये प्रोपेन बन जाएगा, एन प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन वैसे होता ही एन प्रोपेन है, पता था कि प्रोपेन नहीं। अच्छा, तो रिडक्शन का मतलब बेसिकली रिडक्शन किस चीज को कहते हैं, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इस केस में आप एडिशन कर रहे हो हाइड्रोजन की इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, इस वजह से हम रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन करने के लिए ऑफ कोर्स आपको हाइड्रोजन की जरूरत है, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन लाने का कोई बहुत ही बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। आप देखो R का मतलब ये हो गया ये कोई अल्काइल चेन है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, ये CH3 भी अल्काइल, ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और साथ में X की जगह कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, और साथ में आप क्या करो कि जिंक डाल दो और साथ ही एक्स एसिड, मैं आपको एज इट इज बुक के पैटर्न पे बता रहा हूँ, जैसा कोई याद इसी हिसाब से करना होगा। अगर देखिए हम क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ, आपको याद होगा कि अगर जिंक के अंदर HCl डाला जाए तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होता है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन लिबरेट होता है ये कहाँ जाएगा, ये एक्स जगह ले लेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को, कि ये हाइड्रोजन जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमें चाहिए, ये कहाँ से आएगा, ये जिंक और एसिड के रिएक्शन से आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप अल्काइल हैलाइड लो, उसके अंदर जिंक डाल दो और उसके अंदर एसिड डाल दो, तो क्या होगा कि खुद ब खुद जो आपका यहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सिंपल आर एच या जो भी अल्केन आपके करस्पॉन्डिंग होता है वो बन जाएगा, ठीक है, और साथ में जेड एन, और ये आपके पास आर एक्स, ये भी कोई हेलोजन है, यानी इसमें क्लोरीन नहीं रखूंगा और ना कोई क्लोरीन नहीं, तो ये जेडन बिल्कुल आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो आर एक्स इस रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आप आर एक्स से जेड एन सी एल टू के अंदर आप जा रहे हो, यहाँ पे जो आर एक्स के अंदर एक्स है ना, एसिड के अंदर भी वही वाला एक्स हेलोजन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालना, यहाँ पे आपने हाइड्रोक्लोरिक डाल सकते हो आप, अगर यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड वगैरह है या इस तरह, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट दिस रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बहुत ही सिंपल सा आपके पास रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिड्यूस करते हैं और हमारे पास सिंपल अल्केन बन जाता है। एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं। एग्जांपल में इसकी हम यूं ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ब्यूटाइल आयोडाइड है, ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है, ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, आपने क्या करना है कि आपने ब्यूटेन बनाना है इसको, तो आप क्या करोगे कि आप इसके अंदर इसी तरीके से जिंक डालोगे, ठीक है, जिंक डालोगे और साथ और क्या चीज डालोगे इसमें, ऑफ कोर्स एसिड डालोगे, कौन सा एसिड डालोगे, एसिड में ऑफ कोर्स एक हाइड्रोजन होता है और साथ क्या चीज होती है, साथ में आपके पास आयोडीन होना चाहिए, आपको अब आयोडिक एसिड चाहिए, ठीक है, आयोडिक एसिड तो HI होता है ना, अब आपको एक्स फॉर्म में आइंस्टाइन,
यहाँ पे इसलिए एक्सेस मेंशन है ताकि वो आयन बदले करे, ठीक है। तो ये आप एक्सेस फॉर्म में आपने हाइड्रो आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड आपने डाल दिया, ठीक है। और क्या होगा कि CH3 CH2 CH2 एंड CH3 आपके पास ब्यूटेन बन गया, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या लिबरेट हो जाएगा, जिंक आयोडाइड, आपके पास जिंक आयोडाइड बन गया, साथ में ब्यूटेन बन गया, तो ये आपने ब्यूटाइल आयोडाइड से ब्यूटेन बना दिया, ठीक है। सिंपल बाय रिडक्शन। इस प्रोसेस के लिए आपको कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, नो कैटलिस्ट, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका रिएक्शन प्रोसेस करता है। सो दैट इज अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो किस्म के रिएक्शन देखे। सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजिनेशन देखी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इस हाइड्रोजिनेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और साथ में टेम्परेचर रेज किया जाता है। और अगर आप निकल कैटलिस्ट नहीं यूज करना चाह रहे और मतलब आप टेम्परेचर रेज नहीं करना चाह रहे तो फिर आप प्लेटिनम या प्लेडियम दोनों को यूज कर सकते हो और साथ में आप टेम्परेचर रेज नहीं कर सकते। और थर्ड सिचुएशन ये थी कि आप रेने निकल यूज कर सकते हो, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये नीचे आपको थोड़े से बता दिया था। दूसरा आप लोगों ने मैसेज देखा था अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन में कोई खास बात नहीं है, या आप कर सकते हो और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अल्कीन की प्रिपरेशन के बाकी मेथड डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो मेजर टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर वो है डी कार्बोक्सिलेशन। वर्ड से करने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने को कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज।